नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस वाले, गेट पर दो दो मेटल डिटेक्टर और अंदर जाने वाले हर शख्स की चेकिंग, सिक्योरिटी के ऐसे तगड़े इंतजाम के बीच गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने अपनी प्रेमिका और लेडी डॉन के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी से कल शादी की है। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंस की शादी खत्म हो गई है। इसके बाद काला जठेड़ी भारी सुरक्षा के बीच वापस तिहाड़ जेल चला गया और मैडम मिंस अपने परिजनों के साथ हरियाणा के सोनीपत चली गई। आज उनके गृह प्रवेश की रस्म होने वाली है, जिसके लिए काला जठेड़ी भी आएंगे। इसके लिए भी कोर्ट ने उन्हें पेरोल भी दे रखी है। शादी के बाद लेडी डॉन बहुत खुश नजर आ रही थी। सोनीपत पहुंचने के बाद अनुराधा चौधरी से पूछा गया कि शादी कैसी रही। उसने कहा कि जैसे सबकी शादी होती है, वैसे ही हमारी भी सामान्य तरीके से शादी हो गई। उसने कहा, हमारी शादी रीति रिवाज से संपन्न हुई है, सारी रस्में निभाई गई हैं। इन सब में इतना वक्त लग गया कि संदीप से भी बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। कोर्ट की तरफ से हमें 6 घंटे का समय दिया गया था। उस समय सीमा के अंदर ही हमने सारे रीति रिवाज खत्म कर लिए। अब मैं सामाजिक रूप से संदीप की पत्नी हो चुकी हूं और मैं बहुत खुश हूं। दिल्ली के द्वारका में संतोष पैलेस में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने 7 फेरे लिए थे। इस दौरान सुर्ख लाल जोड़े में लेडी डॉन नजर आई, जबकि काला जठेड़ी कुर्ता पजामा और सदरी पहने हुए था। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी थी। इससे पहले लेडी डॉन खुद स्कॉर्पियो ड्राइव करके सोनीपत से दिल्ली पहुंची थी। उसके साथ परिवार के भी कुछ लोग मौजूद थे। उनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो हर जगह नजर बनाए हुए थे। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। आसपास के छतों पर भी पुलिस तैनात थी। सभी पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैमरा लगा रखा था। यहाँ आने वाले मेहमानों को मोबाइल फोन लेकर अंदर जाना मना था। दिल्ली पुलिस ने डीजे भी अंदर नहीं जाने दिया। अपने साजो सामान लेकर पहुंचे डीजे वाले को अंदर नहीं जाने दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के तहत गैंगस्टर काला जठेड़ी को मंगलवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की पेरोल मिली थी। तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा बल के साथ आया संदीप सादे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा था। इसके बाद संदीप ने पहले अपने कपड़े बदले, इसके बाद स्टेज पर जाकर कुछ देर अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा के साथ बैठा, जयमाला हुई। फिर दोनों शादी के मंडप में पहुंचे, जहां उसने लेडी डॉन को सिंदूर भी लगाया। 13 मार्च को जोड़े की घर वापसी की रस्मों के लिए एक बार फिर उसको हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि उसको 3rd बटालियन यूनिट से भारी संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ ले जाया जाएगा, जिसे एक कैदी को जेल से बाहर निकलने और वापस जेल में ले जाने का काम सौंपा गया है। इस शादी पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्वॉट कमांडो के साथ 250 पुलिस कर्मियों की कड़ी नजर बनाई हुई थी। मेहमानों की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस लिया था। दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल यानी वेन्यू को सुरक्षा के लिहाजे से पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया था। मेहमानों की एंट्री के लिए 2 मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। सभी लोग उससे गुजरते हुए अंदर गए। हर मेहमान को एक बार कोड दिया गया था। दिल्ली के द्वारका में स्थित मैरिज हॉल के आसपास गैंगवार होने की आशंका के मद्देनजर 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों तक मॉनिटरिंग कर रही थी। उसके पास इनपुट गैदरिंग और शेयरिंग से लेकर काउंटर अटैक तक की प्लानिंग थी। इस शादी के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के लिए इसलिए भी जरूरी हो गए थे, क्योंकि शादी से ठीक 2 दिन पहले यानी 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी गैंग के ही 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार भी किया था। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।